चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। माहौल तो ये है भाई, इस बार तो गठबंधन है, जैन चौधरी जिंदाबाद। लोगों की परेशानी, बेरोजगारी बहुत पैदा होगी। आर्मी की तैयारी कर रही थी, 5 साल हो गए, भर्ती नहीं आ रही, मजदूरी कर कर हम जूते लावे। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा बुढ़ाना में, और बुढ़ाना में हम यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हैं जो मजदूर तबके से भी आते हैं और कारीगर तबके से भी लोग आते हैं, अलग अलग तरीकों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और बुढ़ाना एक बड़ा चेहरा, विधानसभा बुढ़ाना जो है एक बड़ा चेहरा माना जाता है यहाँ के। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वोट काफ़ी बड़ी संख्या में है, और उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह फिजा बदलेगी इस बार, उसी फिजा को जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या रुझान बन रहा है, क्या समीकरण बन रहा है, और लोगों के अपने चुनावी मुद्दे क्या है, तो हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। आइए बात करते हैं जी। क्या नाम आपका? इरफान नाम। इरफान जी, ये बताइए, चुनाव है, 5 साल सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या माहौल बनने वाला है इस बार? भाई माहौल तो ये है भाई, इस बार तो गठबंधन है, जैन चौधरी जिंदाबाद। इस बार तो दबा के जो है ना गठबंधन चलेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, किस तरह लोग साथ आ रहे हैं? कौन कह रहा है फायदा नहीं है, उनकी बेवकूफ़ी है। जिस पहले जैसे कि 2013 में मोदी की लहर चली थी, उस बार पूरी लहर चली थी, इस बार जो है गठबंधन की लहर है, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये थोड़े से हैं कठपुंजे जो बिरान हो रहे, खमा खां दंगा करवा रहे, वो करवा रहे, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपने दंगे की बात करी, 2013 में बड़ी हिंसा हुई, क्या अब वो जो नफरत की एक दीवार जो खड़ी हुई थी, आपको लगता है उसमें कुछ असर हुआ है उस पर, वो गिरी है, क्या हुआ है? भाई नफरत की तो बात है, जिसके साथ बुरा हो गया वो तो भूलेगा नहीं, लेकिन क्या करें, समय के साथ चलना पड़ता है, समय के अनुसार ही चलना पड़ता है। अब करेंगे तो क्या करेंगे, जो मजबूरी थी वो झेल चुके हैं। उस दंगे के दौरान हम भी थे भाई, हमारे साथ ही बुरा हुआ भाई, हमने किसके साथ गलत किया, हमने किसको मारा है, हम भी परेशान हुए। हम तो 10 साल हमने ऐसे गुजार दिए कि कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, वो हमें पता है किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी को जो है बिताया है, हम अपने दिन कैसे भूल जाएंगे, पर लेकिन क्या करें, समय के साथ चलना पड़ता है। बीजेपी सरकार कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, आपको लगता है 5 सालों में कुछ विकास हुआ हो आपके क्षेत्र में? कहीं कोई विकास नहीं हुआ, जहाँ भी हुआ भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, जहाँ भी हुआ भ्रष्टाचार हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो बीजेपी सरकार ने 5 साल में काम नहीं किया, लोगों की परेशानी बेरोजगारी बहुत पैदा होगी। तो जैसे लोग आपने बताया कि यहाँ पर मजदूर और कारीगर लोग ज्यादा, सब मजदूर, किसी की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है सरकार ने? मजदूर कहाँ तक बढ़ोतरी करेगा, महंगाई इतनी है। आर्मी की तैयारी कर रही थी, 5 साल हुई, भर्ती नहीं आ रही, मजदूरी कर कर हम जूते लावे, पट गए, देखो ये फिर मजदूरी करेंगे, फिर जूते लावे, भर्ती आ नहीं रही, फिर पोस्टपोन हो जाके करे, बेरोजगारी। चुनाव है, देख रहा जी, चुनाव में सब आवेगी, इसके चक्कर में हम चुनाव के इसमें है। भाजपा ने रोजगार नहीं दिया, कहाँ रोजगार दिया, मजदूरी भी नहीं मिल रही उसमें, तो हमें पेपर लीक हो रहे हैं, इनपे क्या, ये क्या कारण है? ये तो जान बुझ के करवा था सरकार ने, अगर भाई जाए, अगर यूपी टेट हो गया तो फिर ये जाए भर्ती की मांग करेंगे, इसमें अलझाव रखो ना जाए, फिर परीक्षा बाद में करा देंगे यूपी टेट की, अब ये भर्ती की मांग नहीं करने के, चुनाव हो जाएगा, ये चक्कर रहा। अन्य अगर ये जान बुझ सरकार की चलती, भाजपा सरकार में निजीकरण ज्यादा कर रहे, अब क्या हो रहा, पूंजीवादी जो है पैसा इकट्ठे करा लोगों से, यार भाग जा, सबको पता जिस चीज के बारे में। अब एक बीमा कंपनी थी पीसीएल, उन्होंने पैसे इकट्ठे करे, भाग गए, जब तो सरकार कहता है निजीकरण कर दो, कोई अखबार इसमें इन्वेस्ट करो पैसा, सरकार इसकी जिम्मेदार है, अब वो पैसे भागी, उसके पैसे कौन देगा बताओ, कौन होगा सरकार? सबसे ज्यादा इस भाजपा की यह शिकायत है, ये क्या नाम, हिंदू मुस्लिम का उन्होंने मुद्दा बनाई रखा, विकास पर काम कम काम कराए इन्हें, बस चुनाव के, जब चुनाव आता है क्या मुद्दा बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाओ, एक उसके तहत ये चुनाव जीतते हैं, विकास को कोई काम नहीं करती है। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान क्या चाह रहा है? उत्तर प्रदेश का चेंजिंग चाह रहा है, चेंज रहा है, गठबंधन की सरकार बनने वाली हो रही, बस ये है चेंजिंग चाह रहा है, विकास पर जो है मुद्दा होने चाहिए, ना कि जो है सबको समझना चाहिए। अच्छा, सरकार तो कह रहे हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, अलग अलग चीजें बदल रही है, विकास तो कहीं नहीं कर रही है, बस सब कहने वाली बात है, विकास नहीं हो रहा, हमारा विकास होता तो पब्लिक इतनी वो तो नहीं बोल रही थी, जैसे भाजपा सरकार चैन थोड़ा ना हुआ थी।
महंगाई का कुछ असर लगा आपको? महंगाई तो इतनी बढ़ रही, कहना इसका तेल भी नहीं मिल रहा, तेल ही इतना महंगा हो रहा है। ये वो दे रहा है कोटे में नमक दे रहा है, उसमें भी कंच आ रहा है। हम कंच खाएंगे? राशन तो कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है, राशन तो मिल रहा है, काम करने की क्यों नहीं जरूरत है? राशन तो पूरा थोड़ा पड़ता है, ऐसे थोड़ा कुछ हो है। रोजगार भी चाहिए हमें, मतलब नहीं जो हमारे लिए बढ़िया करेगी वो हम उस सरकार को वोट देंगे। अब भाजपा ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, ये मकान दे दिए 2-2.5 लाख रुपए दे रहे हैं मकानों के सरकारी के, इनमें एक किस्त आ रहा है, 2-2 महीने लोग किराए पर रह रहे हैं, इतने किराए चल जाओगे उनका। हम उत्तर प्रदेश की बुढ़ाना सीट पर थे, जहां पर हमने नौजवानों से बात की, उनका मानना है कि पिछले 5 सालों में कोई काम इस तरह से नहीं हुए हैं, जिनको लेकर जनता बहुत परेशान है और इस बार वो बदलाव चाहते हैं। और यही बदलाव यूपी में इस बार किस तरह से होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से। धन्यवाद जी। भाई साहब क्या कह रहे थे आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आसिफ भाई जी। अच्छा आसिफ भाई, ये बताओ क्या लग रहा है इस बार, क्या चुनाव में क्या होने वाला है?